नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। केंद्र सरकार ने विकट समय में आम जनता के कल्याण के लिए जिस अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पंचायती विभाग के अफसरों और पंचायत में तैनात सचिव और रोजगार सहायकों की मिलीभगत से अमृत सरोवरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। भिंड जिले के चंचूरी बिंडवा पंचायत ने 82 लाख रुपए से बनने वाले तालाब पर 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जबकि कागजों में इसको पूर्ण बताकर राशि आहरित कर ली गई है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और स्थानीय जरूरतों की पूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गांव के लोगों को सुरम्य वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी, जिससे भीषण गर्मी के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट और गिरते जल स्तर की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन विंडवा पंचायत में बनाए गए अमृत सरोवर तालाब के लिए स्वीकृत राशि का बंदरबाट कर लिया गया और सिर्फ मिट्टी डालकर पानी का बहाव रोकने के लिए पार बना दी गई, जबकि इस पूरे किनारे पर RCC का निर्माण होना था और किनारे के ऊपरी सतह से तलहटी तक खंडा लगाकर निर्माण किया जाना था, जिससे सरोवर के किनारे मजबूत बन सके। इतना ही नहीं, पानी निकासी के लिए जो पक्का CC निर्माण किया गया वो भी गुणवत्ताहीन है और उसमें जगह जगह दरारें आ गई हैं। इस मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश कुमार गोमे जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सर, भिंड जनपद की बिंडवा पंचायत है सर, वहाँ पे सर 80 लाख रुपए से निर्मित तालाब है सर, ना ही वो पक्का बना है और अपूर्ण हालत में है सर। ये बिंडवा ग्राम पंचायत जो है, इसमें अमृत सरोवर दो तालाब बने हैं। एक तालाब है लगभग 82 लाख का, जिसमें 50 लाख रुपए खर्च करना बताया है प्रथम दृष्टया, और काम अभी अपूर्ण है और काम की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, जैसा कि आपके पास जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ दिखाए गए हैं। और एक और तालाब जो है वो 13,42,000 का है और वो भी कार्य अपूर्ण है। इन दोनों कार्यों के लिए हम अभी भी इस तरह के दो अधिकारियों को भेज के और दोनों का फिजिकल वेरिफिकेशन और प्लस डॉक्यूमेंट्री क्या हुआ है, ये सारी चीजें निकाल के अभी हम क्लियर करेंगे। एकाधिक दिन में इस पर जो भी होगी वो कठोरतम कार्रवाई जो होगी, अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो संबंधित होकर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।